हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया लेके आ गया हूँ, लेकिन नया क्या है आज के इस वीडियो में। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और जो काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। अब क्या है आज के इस वीडियो में इसको जानेंगे, क्योंकि हर बार की तरह कुछ नया है। आइए देखते हैं कि क्या नया है। मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 ओपन कर लेता हूँ, और जब ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये क्या बना हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक चीज बनी हुई है। और अगर कैसे ये OMR आपने देखा होगा, OMR के जैसा ही ये दिख रहा है आपको। ये सिंबल कैसे बना, इस तरीके की चीजें कैसे आएंगी, देखिए सबसे आसान है बताता हूं आपको। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिएगा कि 2021 अगर आप यूज करेंगे तो इन सब वर्जन्स में ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। अगर 7 यूज करेंगे तो नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि इस फंक्शन का नाम है, यहां पर दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये 2007 है। तो अगर आप 2007 में जाते हैं तो ये फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। इस फंक्शन का नाम है यूनिकेयर। क्या नाम है? यूनिकेयर। तो देखिए UN टाइप किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये 2007 है। लेकिन यही मैं 2021 की बात करूं तो इसमें ये कोड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू यूनिकेयर लिखिएगा, यूनिकेयर। देखिए यहाँ पे यूनिकेयर आ रहा है तो ये यूनिकेयर लगा लीजिएगा। और यहाँ पे लिखिएगा रो, क्या लिखना है आपको? रो लिखना है, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है, और क्लोज करके प्लस का निशान लगाइएगा, और यहां लिखिएगा 9311। ठीक है, क्या लिखना है? 9311, और एंटर कर देना है इस तरीके से। जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का शाइन आ जाएगा, और इसको जब आप ड्रैग कराएंगे तो ये कुछ इस स्थिति में पहुंच जाएगा, और ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको OMR में देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात यह समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, अब अगर आप यहां से इधर से ऐसे कर देंगे तो ये सेम चीजें जो है हर जगह प्रिंट होती हुई आपको नजर आएंगी। ये काफी कमाल का है, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।